सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी 10 साल की आर्ट जर्नी के बारे में। तो बचपन से लेकर आज तक की मेरे पास कुछ इतने ड्राइंग्स हैं, जो कि बहुत सारे ड्राइंग्स हैं, मतलब 200 से 300 ड्राइंग्स हैं। तो मैं जब छोटा था तो मैं मतलब एक ही ड्राइंग कम से कम 10 बार 11 बार, जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं परफेक्ट मतलब ये ड्राइंग मैं ठीक तरह से निकाल पा रहा हूँ, उतनी बार मैं एक ही ड्राइंग निकालता था। मुझे अभी भी याद है, मैंने सबसे ज़्यादा बार गणेशा की ड्राइंग निकाली थी, और वो भी अलग अलग, मतलब बहुत बार, मतलब कम से कम 50-60 बार तो मैंने गणेशा की ड्राइंग निकाली होगी। और उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है, मैं ड्राइंग निकालने से पहले घंटों तक रेफरेंस फ़ोटो को मतलब रेफरेंस फ़ोटो प्रिंट वगैरह तो नहीं रहती थी मेरे पास, मोबाइल भी नहीं था, तो आउटलाइन फ्री हैंड निकालता था। मुझे ग्रिड मेथड, डॉट मेथड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मतलब आउटलाइन निकालने के लिए भी मेथड्स होती है। मुझे मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, अलग पेंसिल्स यूज़ की जाती है शेडिंग के लिए, बस हाथ में पेन आया या पेंसिल आई तो लग गए ड्राइंग निकालने। तो मैं उस वक्त ड्राइंग भी मतलब सिंपल नोटबुक पर निकालता था, कोई मतलब वाइट पेज वगैरह नहीं थे मेरे पास। तो मैंने एक बार स्वामी विवेकानंद जी की पोर्ट्रेट निकाली, मतलब फ़ोटो निकाला था, पहली बार ही मैंने ट्राई किया था। तो उस वक्त मुझे जहाँ तक याद है, एक हमारे मतलब एक ऐसे हॉल में एक बड़ा सा टेबल था, उसके अंदर मतलब कांच के अंदर वो फ़ोटो रखी हुई थी स्वामी विवेकानंद जी की, शोपीस की तरह। तो मैं उस फ़ोटो को मतलब 2-3 दिन से लगातार घूरता रहा, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी, तो मैं बहुत देर तक उसे घूरता रहा। तो अब इसे ड्रॉ करना है, मैंने बहुत बार कोशिश की, बट अगर मतलब आइज निकाल पाता तो लिप्स नहीं निकाल पाता, लिप्स निकाल पाता तो कहीं ईयर्स रॉन्ग हो जाती, मतलब फिर मैंने उसे मतलब 3-4-5-6 दिन तक लगातार ट्राई करने के बाद मैंने वो ड्राइंग निकाली, और वो ड्राइंग निकालने के बाद मैं इतना खुश था। अब वो ड्राइंग मैंने इतनी बार निकाली थी, अब कोई भी मुझे मतलब बोलता कि निकाल के दिखाओ, तो मैं 10 मिनट में वो ड्राइंग की आउटलाइन निकाल के दिखा देता था। वैसे ही मैं भगत सिंह की भी ड्राइंग निकाली मैंने, तो एक ही ड्राइंग मतलब मैंने बहुत बार निकाली है बचपन में। तो मेरे पास बचपन की बहुत सी ड्राइंग्स हैं मतलब, और पहले मैं मतलब अगर दोस्त मुझे मेरी ड्राइंग्स मांग लेते थे तो मैं बिना हिचकिचाए दे देता था, मतलब अब दोस्त भी कैसे होते हैं आपको पता है, मतलब उन्होंने अगर कोई ड्राइंग मांगी तो देनी ही पड़ती है। तो कुछ इतने ड्राइंग्स हैं हमारे पास, तो मैं आपको मेरे ड्राइंग्स निकालता हूँ। तो बचपन में मैंने मेरे सारे ड्राइंग्स मतलब सिर्फ एक ही पेंसिल से बनाई है, मुझे मतलब शेडिंग पेंसिल्स के बारे में वगैरह वगैरह कुछ भी पता नहीं था। तो जब मुझे ब्लेंडिंग स्टम्प्स शेडिंग पेंसिल्स के बारे में 5th या 6th स्टैंडर्ड में पता चला, जब मैं सौरव जोशी आर्ट्स, सोम्स आर्ट्स को देख मतलब ऐसे चैनल्स देखने लगा, तब मुझे इन पेंसिल्स के बारे में वगैरह पता चला। तो मैंने सबसे पहले खरीदी फिर आर्ट लाइन की पेंसिल्स, फिर उनसे ड्रॉ करना शुरू किया, फिर नई नई बातें पता चली, तो आज कुछ मैं ऐसे आर्ट वर्क्स बना सकता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि अब मैं कैसे ड्राइंग्स बनाता हूँ। तो चलिए मैं आपको मेरी ड्राइंग्स दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मेरी ड्राइंग्स दिखाता हूँ। तो ये ड्राइंग बुक, ये ड्राइंग बुक मेरी होगी कुछ 4th या 5th स्टैंडर्ड की। तो मुझे तब एक बुक थी मेरे पास, जिसमें से मैं देखकर मतलब स्केचेस देखकर मैं आउटलाइंस निकालता था या शेडिंग करता था। तो सबसे पहली ड्राइंग उस वक्त मैंने बनाई थी ये 4th या 5th स्टैंडर्ड में, मतलब शेडिंग वगैरह करके। तो इसमें डिटेलिंग वगैरह कुछ नहीं है, पर जब ये ड्राइंग मैंने बनाई थी तो मुझे इतनी खुशी मिली थी क्या बताऊँ आप। आर्ट लाइन की पेंसिल्स भी जब मैंने खरीदी थी तो मुझे लगा था
अब मैं ऐसी ड्राइंग्स निकालूंगा, ऐसी ड्राइंग्स निकालूंगा, बहुत अच्छी ड्राइंग्स निकालूंगा। तो ये पूरी ड्राइंग बुक में सारी ड्राइंग्स मैंने आर्ट लाइन की पेंसिल से ही बनाई है। तो आउटलाइंस तो परफेक्ट, पर शेडिंग वगैरह में बहुत मिस्टेक्स रही फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तब मैं ग्रिड मेथड की वगैरह कोई भी मतलब किसी भी मेथड का यूज़ नहीं करता था, सिवाय फ्री हैंड के। सारी ड्राइंग्स मैंने फ्री हैंड मेथड से ड्रॉ की है। कुछ 2011-12 में सारी ड्राइंग्स बनाई है मैंने। ब्रूस ली, तो मतलब जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड से भी पहले था, जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए, तब मेरी बहुत सी ड्राइंग्स खो गई फ्रेंड्स। तो वो ड्राइंग्स तो अब मेरे पास नहीं है। तो काश, मुझे अभी भी लगता है कि काश वो ड्राइंग्स मेरे पास होती। तो कुछ ये ड्राइंग्स मेरे पास हैं। तो ये ड्राइंग बुक कब की है मुझे याद नहीं, मैं आपको ड्राइंग्स देख कर बताता हूँ। ये ऐसे ही फ्री हैंड में कुछ भी निकालता था फ्रेंड्स। ये ड्राइंग बुक 6th स्टैंडर्ड की है फ्रेंड्स शायद से। तो फ्रेंड्स, स्टिल ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था मैं तब। ये ड्राइंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे मेरे हमारे घर पर एक फ़ोटो फ्रेम थी ज्ञानेश्वर महाराज की, मतलब संत ज्ञानेश्वर की। तो मैं काफ़ी देर तक उसको देखते रहा, उस फ्रेम को देखते रहा। तो काफ़ी देर तक उस फ्रेम को देखने के बाद मैंने ये ड्राइंग ड्रॉ करी थी। रात को 9-10 बजे से लेकर 1-2 बजे तक मैं सिर्फ यही ड्राइंग ड्रॉ कर रहा था फ्रेंड्स। ये इतनी परफेक्ट तो नहीं है, बट 6th स्टैंडर्ड में ड्राइंग ड्रॉ करना मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको वो फ्रेम दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये फ्रेम, इस फ्रेम को ऑब्जर्व करके मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। तो आप देख सकते हैं, उतनी परफेक्ट तो नहीं है, पर मुझे तो बहुत पसंद है फ्रेंड्स ये वाली ड्राइंग। तो आपको पसंद आई या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये भी स्टील ऑब्जेक्ट, स्टील ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये गणेशा जी की पेंटिंग मैंने फर्स्ट बार ही ट्राई की थी उस टाइम। तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने गणेशा जी का स्केच मतलब ड्राइंग बहुत बार बनाई है। तो ये उन्हीं ड्राइंग्स में से एक है। तो ये देखिए, आर्किटेक्चर लोग है वो ऐसे बनाते थे। मैंने किसी को देखा था बनाते वक्त, तो मन में ख्याल आया और बना दिया देखकर। ये जो ड्राइंग है या पेंटिंग है, ये मैंने बहुत सी गाड़ियों पर देखी थी, शिवाजी महाराज की। तो मतलब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये ड्रॉ की जाए। तो ऐसे ही बना दी थी फ्रेंड्स। तब मैं कोई भी ड्राइंग, मतलब मैं हर रोज़ ड्राइंग नहीं करता था, मतलब टाइम नहीं मिलता था या मूड नहीं होता था। तब मैं 6 मंथ्स में कभी, तो हॉलीडेज में कभी टाइम मिल गया, कोई ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई तो ही मैं ड्राइंग निकालता था फ्रेंड्स। मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेरे पास इतनी ज़्यादा ड्राइंग्स तो नहीं है, पर जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला तो मैं हर रोज़ या एक मतलब 1-2 दिन छोड़ के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग निकालने लगा। तो मतलब मुझे तब पता चला कि मैं मेरे आर्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता हूँ। तो बस आप सबका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो ये वाली ड्राइंग, ये भी मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ये कुछ 7th स्टैंडर्ड में ड्रॉ की होगी मैंने, 7th-8th स्टैंडर्ड में। ये कृष्णा जी की ड्राइंग,
तो आपको कौन से, ये गोपीनाथ राव जी मुंडे मतलब एक राजनेता थे, उनकी ड्राइंग ये भी फ्री हैंड ही बनाई है फ्रेंड्स। तो मैं ट्यूशन क्लास में जाता था तो ये वाली जो ड्राइंग है ना, ये एक नोटबुक के फ्रंट पेज पर थी, कार्डबोर्ड होता है ना उस पर। तो एक लड़के ने मुझे चैलेंज किया था कि तू सच में इतने अच्छे ड्राइंग निकालता है। मैंने उसको मतलब बता रहा था मैं कि मैं ड्राइंग निकाल सकता हूँ, तो उसने मुझे चैलेंज किया था और वो ड्राइंग मैंने सेम टू सेम निकाली थी ये वाली। तो मतलब उसके तो होश उड़ गए थे, भाई कैसे निकाल लिया तूने, मतलब आप सोच ही सकते हैं। तो ये वाली ड्राइंग भी मुझे बहुत पसंद है। सो फ्रेंड्स, आपको कौन सी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और बहुत ड्राइंग से मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक नोटबुक के फ्रंट पेज पर बनी हुई थी फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्ट मैं स्केच पेन से ड्रॉ की थी। ये सब काच ही ता डोरी मांग, और ये मतलब ऐसे ही मैं, मुझे किसी ने वीडियो दिखाई थी पेंटिंग की तो बहुत जोश आ गया था, अब मैं पेंटिंग निकालूंगा बहुत अच्छी। तो ये वाली पेंटिंग मैंने ड्रॉ की थी उस टाइम। और फिर आती है हमारे पास बहुत बड़ी फाइल, तो इसमें कि मैं आपको सारी पुरानी पेंटिंग्स दिखाता हूँ। अब ये 2 साल पुरानी ड्राइंग्स है फ्रेंड्स, मैं नोरा फतेही को ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा था बट बहुत डिफिकल्ट रहा वो मेरे लिए। ये ऐसे ही ड्राइंग बनाई थी, ये सारी 2 साल पुरानी ड्राइंग्स है, इमेजिनेशन। ये मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, जो कलर पेंसिल्स होती है ना, कलर पेंसिल्स से पहले पूरी शेडिंग वगैरह कर ली और फिर उसके ऊपर मतलब पानी डाल दिया, क्या होता है देखने के लिए, मतलब पेंसिल कलर्स ब्लेंड होते हैं या नहीं देखने के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे मैं आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए ट्राई करता था बहुत बार, और जिस बार आउटलाइन ठीक से आ जाती थी तो मैं वो ड्राइंग को शेड करता था ये कलर पेंसिल से। ये सारी ड्राइंग्स मैंने जब यूट्यूब चैनल, मतलब बहुत पुरानी ड्राइंग्स है फ्रेंड्स, ये 2 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे इन ड्राइंग्स को। ये ड्राइंग मुझे बहुत पसंद है, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्कल दिखेगा मतलब डेथ, और फिर उसमें लाइफ दिखेगी मतलब ये गर्ल, ये इसका फ्रॉग है और ये एप्पल्स खा रही है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आपको ये ड्राइंग कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये ड्राइंग भाई, ये सबसे डिफ़िकल्ट ड्राइंग उस टाइम की, मतलब ये 8th स्टैंडर्ड में ड्रॉ की थी मैंने, कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ पे ख़त्म किया जाए मतलब कुछ भी नहीं पता था। तब मैंने ये ड्राइंग एक छोटे से इतने से फ़ोन पर, मतलब वो जियो का फ़ोन होता है ना, उस फोन पर देख कर निकाली थी। भाई आप सोच ही सकते थे, इतने से रेफरेंस फोटो और उसकी इतनी बड़ी ड्राइंग बनाना, मतलब भाई ये ड्राइंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें डिटेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, कपड़ों की वगैरह, मतलब बस यार ये फेवरेट ड्राइंग है मेरी उस टाइम की। अब मैं इससे भी अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आर कैलिक। पेंटिंग में ज़्यादा नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पेंटिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है उतना, ये इसे फ्री हैंड ड्रॉ करता था फ्रेंड्स में। टाइगर रियलिस्टिक ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा था फ्रेंड्स, बट उस टाइम उतना कुछ पता नहीं था कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है वगैरह। ये भी रियलिस्टिक ग्लास ड्रॉ करने को ट्राई कर रहा था। ये ड्राइंग बस मैंने 9th स्टैंडर्ड में ड्रॉ की है अभी, फिश ये ड्रॉ की है मैंने स्केच पेन से। अगर आपको ये ड्राइंग कैसी मतलब कैसे निकालना है वो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये ड्राइंग का मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा फिर से एक बार। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस ड्राइंग को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बच्चा है, दिखा
फोन को जरा ऐसे दूर पकड़ो, आपको दिखेगा। और फिर यहाँ पर ये एक पेड़ है, और यहाँ पर दो आशिक नदिया किनारे कुछ गुनगुना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये ड्राइंग आपको कैसी लगी बताओ यार। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो एक अलग ही टाइप का मोटिवेशन मिलता है। तो ये रियलिस्टिक कप भाई। और अगर चैनल को ये बहुत पुराना, ये 2 साल पहले निकाली होगी मैंने शायद से। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। फ्रेंड्स, हम 1K फैमिली कब कंप्लीट होगी, बस कंप्लीट होगी भी या नहीं, या मेरा सपना ही रह जाएगा। फ्रेंड्स, आप ही में ये 1K की फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के बिना ये फैमिली कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो हाँ, ये वाली ड्राइंग मैं आपको बताया था ना मैंने, मैं एक ही ड्राइंग बहुत बार ट्राई करता था। तो पहले मैंने ये वाली ये ड्राइंग ट्राई की, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हेयर्स है ना, ये रॉन्ग हो गए। तो मतलब ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था, दिख रहा है मतलब उतना नहीं दिख रहा। तो मैंने ये ड्राइंग फिर से निकाली, फिर से। तो ये कुछ ऐसी बनी, देखो फ्रेंड्स। और इसमें शेड्स वगैरह भी मैंने बहुत ज़्यादा दिए, रियलिस्टिक निकालने का ड्रॉ करता था फ्रेंड्स में, मतलब आपको पता ही चल गया होगा। और इससे पहले भी ये ड्राइंग मैंने 2 बार निकाली होगी फ्रेंड्स, मुझे पता है, अच्छे से याद है फ्रेंड्स मुझे। तो ये देखो, ये गणेश आते, मैंने बताया ना फ्रेंड्स आपको, ये गणेश को बहुत बार ड्रॉ किया है मैंने। तो ये बिल्ली है, ये रात में देख रही है आसमान में। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही पेपर मिल गया, पेंसिल हाथ में आ गई, लगे ड्रॉ करने। तो ये लिप्स बिल्कुल रियलिस्टिक बनाए फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, ये गुलाब का फूल, मतलब पेंसिल हाथ में आ गई तो कुछ भी नहीं, लग गए ड्रॉ करने। तो मतलब पेन पे, मतलब मेरे, आप नोटबुक्स के लास्ट के पेजेस देखेंगे तो सारी ड्राइंग्स दोस्तों की या मतलब क्लासमेट्स की वगैरह किसी की भी ड्राइंग बना के रखी है। तो ये है मणिकर्णिका की ड्राइंग। इस ड्राइंग के लिए मैंने पहली बार ग्रेड मेथड यूज़ की थी, 10th स्टैंडर्ड, नहीं, 9th स्टैंडर्ड में शायद से, 9th, अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ फ्रेंड्स। तो 9th स्टैंडर्ड में भी बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स निकाली है फ्रेंड्स मैंने। तब मेरे पास आ गया था मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मतलब उसमें से बहुत ज़्यादा मैंने, ये देखो फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल्स देख देख के आईज वगैरह में सीख गया नोज। तो ये कैसे ड्रॉ करने हैं फ्रेंड्स, अगर आपको इनका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ये देखो फ्रेंड्स, छोटा सा नन्ना सा बच्चा, ये ड्राइंग में 1 मिनट में निकाल सकता हूँ फ्रेंड्स। ये ड्राइंग में बचपन से, मतलब कार पर अगर धूल जम जाती थी कार के कांच पर, तो मैं उस पर भी ऐसे अपनी उंगलियों से ड्राइंग निकाला करता था, उस पर मैं प्रैक्टिस करता रहता था। मतलब वो दिन ही अलग थे बचपन के। ये भी 9th स्टैंडर्ड में बनाई हुई है। हाँ, ये कलर पेंसिल्स खरीदी थी मैंने डोम्स की, कुछ 4-5 महीने पहले की बात होगी। तो दिन में 3-4 ड्राइंग्स बनाता था फ्रेंड्स। ये 9th स्टैंडर्ड में बनाई हुई है, लॉर्ड कृष्णा की, ये भी फ्री हैंड बनाई हुई है। ये ऐसे ही, ये 10th स्टैंडर्ड में ही बनाई हुई है ऐसे ही। ये भी, ये इनका वीडियो, ये सारे ड्राइंग्स का वीडियोज अब अपलोडेड है फ्रेंड्स हमारे चैनल पर, संत भगवान बाबा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई एक भी ड्राइंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। अमिताभ बच्चन, आप बच्चन जी का अभिमान पिक्चर देखना फ्रेंड्स, और याराना पिक्चर एक देखना फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे पापा ने सजेस्ट किया था देखने के लिए। तो आप देखो फ्रेंड्स, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये ड्राइंग, ये मैंने पापा की ड्राइंग पहली बार ट्राई की थी फ्रेंड्स, मतलब एक्यूरेट तो नहीं थी पर पापा को, मतलब पापा को बहुत पसंद आई, मतलब पापा ने कहा वाह बेटा वाह, मतलब जवाब नहीं है मेरे। पापा की ड्राइंग मैंने 3 से 4 बार निकाली है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो तक एंड तक बने रहिए, मैं बीच में दिखा दूंगा सारी ड्राइंग्स पापा की निकाली हुई मैंने।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने सबकी ड्राइंग्स निकाली है, आप देख सकते हैं। ये देखो फिर से आ गई पापा की ड्राइंग। ये ड्राइंग मैंने रात को 2 बजे, क्या आया मेरे मन में पता नहीं, तो ये ड्राइंग मैंने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्रिड मेथड यूज़ की थी उस टाइम, ये 9th स्टैंडर्ड की एंडिंग में, एंडिंग के वक्त में मैंने ये ड्राइंग बनाई थी फ्रेंड्स। तो मतलब आप देख सकते हैं, मतलब प्रोग्रेस देख सकते हैं, इसमें शेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आर्ट लाइन की पेंसिल से बनाई थी और ये फाइबर कैसल के पेंसिल से बनाई है फ्रेंड्स। इसमें शेड्स वगैरह बहुत कुछ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये मेरे भाई की ड्राइंग, ये जो ड्राइंग्स है ना, मतलब ये वाली सारी, ये 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा बनाई हुई है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी ड्राइंग्स है फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पर मैं आपको मेरी सारी ड्राइंग्स दिखाऊंगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मतलब शेडिंग में कैसे मतलब धीरे धीरे बदलाव आई, मतलब कैसे मैं परफेक्ट हुआ हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये ड्राइंग 15 to 20 मिनट्स में निकाली है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। तो इस ड्राइंग की वीडियो आपको मिल जाएगी। ये अजिंक्य मुंडे है, मेरा भाई है, अजिंक्य भैया एक्टर है फ्रेंड्स। तो ये ड्राइंग, मतलब मैं एक बार अगर ड्राइंग के लिए बैठ गया तो मैं वो ड्राइंग कंप्लीट किए बिना कभी नहीं उठता था फ्रेंड्स। मतलब ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है मुझे ये तो नहीं पता, पर ये ड्राइंग मैं निकाल रहा था, निकाली निकाली, और फिर मतलब मैं 3 से 4 घंटे इस पर काम किया और फिर जगह से उठ गया, रात हो गई थी। तो उसके बाद मैंने चाहा ये ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए, बट हो नहीं पाई फ्रेंड्स। तो ये ड्राइंग रह गई अधूरी, तो मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा फ्रेंड्स। अगर आपके इस वीडियो पर 10 से ज़्यादा कमेंट्स आए तो वो ड्राइंग मैं करूँगा कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभिषेक चाटे गोलियाँ, मतलब उसे प्यार से बोला था, तो इसकी ड्राइंग निकाली थी मैंने, इसका वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पर। तो ये ड्राइंग्स कुछ ट्राई की थी मैंने 3-4 महीने पहले, पेंटिंग कलर्स, ऑयल पेस्टल्स, ये भी ऑयल पेस्टल्स, इस ड्राइंग का वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। ये डोम्स की कलर पेंसिल से ड्राइंग बनाई है फ्रेंड्स, वाह। ये भी डोम्स की कलर पेंसिल से ये फाइबर कैसल की पेंसिल से रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए ट्राई कर रहा था उस टाइम के लिए, उस टाइम तक मेरे लिए सबसे रियलिस्टिक ड्राइंग ये थी, बट अब ये नहीं है, इसकी जगह कोई और ड्राइंग ले चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे आउटलाइंस निकालता था फ्री हैंड, रश्मिका मदन्ना फ्री हैंड, पर शेड की नहीं किया मैंने, रियलिस्टिक आए। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। कलर पेंसिल से भाई फर्स्ट बार पोर्ट्रेट ट्राई किया था मैंने, मतलब किसी पर्सन का। तो ये श्रद्धा पवार की ड्राइंग है, इसका भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो यार फ्रेंड्स, यार कितना परेशान करो, कर दो यार सब्सक्राइब चैनल को, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। ये गणेशा जी की ड्राइंग, ये ड्राइंग मैंने ड्रॉ की थी और फिर फाइल में रख दी, पर मैं सच आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को मैं कम से कम दिन में 100 बार तो देखा ही होगा मैंने। तो मतलब मैंने सपोज ये ड्राइंग निकाली, तो मैं ये ड्राइंग मतलब जब फाइल में रखता था तो मैं पीछे की सारी ड्राइंग्स एक बार देख लेता था, मतलब एक अलग ही खुशी मिलती थी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रिड मेथड से मैं फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहा था, तो मतलब मुझे नहीं पसंद आया, बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए हमने डायरेक्टली फ्री हैंड ड्रॉ करना चालू किया।
और कैरी मिनाटी भाई का स्केच निकाल लिया हमने, तो एक लाइक बनता है कैरी मिनाटी के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इमेजिनरी ड्राइंग्स। हमारे रोनाल्डो भाई फुटबॉल प्लेयर क्या खेलते हैं भाई बॉस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी ऑयल पेस्टल से ट्राई की थी मैंने, ये थैनोस की ड्राइंग। उस ड्राइंग की जगह फिर इस ड्राइंग ने ले ली, सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग। इस ड्राइंग पर मैंने मेरे 4 घंटे खर्च किए थे फ्रेंड्स। बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती थी ये ड्राइंग मुझे, मतलब सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लगती थी। तो फिर और ड्राइंग्स हैं हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। ये हिटमैन की ड्राइंग, ये आपने डिमांड की थी भाई, हिटमैन की ड्राइंग निकालो, हिटमैन की ड्राइंग निकालो, इसलिए मैंने ये ड्राइंग निकाली थी फ्रेंड्स। ये सॉफ्ट चारकोल से निकाली थी, मतलब कल ही निकाली है। तो ये ड्राइंग के लिए मुझे कुछ आधा घंटा लगा था। ये फरजाना आर्ट्स में से निकाली थी भाई, MS धोनी। ये हमारे 5 फ्रीडम फाइटर्स, मतलब आप मेरी प्रोग्रेस देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 10 सालों में की, मतलब। पर काश अगर मैं अगर हर रोज़ ड्राइंग निकालता ना फ्रेंड्स, मतलब जब मुझे ड्राइंग पसंद थी तब से, तो आज मैं अलग ही लेवल पर होता। ये मैच स्टिक्स से बनाई हुई ड्राइंग है फ्रेंड्स, ये रुक फ्रेंड्स। गणेशा जी कलर पेंसिल्स। ये फिर इस ड्राइंग ने सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग्स की जगह ले ली फ्रेंड्स। बॉस ये ड्राइंग अब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पहली बार मैंने पेन से, मतलब वो हैचिंग टेक्निक बोलते हैं ना, वो ट्राई की थी। तो रणवीर सिंह का स्केच निकाला था मैंने। तो आपको इस ड्राइंग का भी ट्यूटोरियल नहीं, वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पर, ये सोम सार्ट। भाई चिडविक बोसमन, ये ड्राइंग मैंने निकाली थी भाई सौरव जोशी को देखकर, मतलब सौरव जोशी आर्ट्स पर वीडियो है अपलोडेड ये, तो हमारे चैनल पर भी है ये वीडियो। तो आप हमारे चैनल पर देखो या सौरव भैया के चैनल पर देखो, एक ही बात है, मतलब ड्राइंग तो सेम ही है। तो ये ड्राइंग पूरी की पूरी ग्रेफाइट से बनाई है फ्रेंड्स मैंने, और एक ही पेंसिल से बनाई है। तो फ्रेंड्स ये ड्राइंग मुझे भी मतलब मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ये मिल्खा सिंह की ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग भी मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और ये शिवाजी महाराज की ड्राइंग, मैंने आपको बताया ना, मैंने बहुत ज़्यादा बार शिवाजी महाराज जी की ड्राइंग निकाली है। तो फ्रेंड्स आपको ये ड्राइंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ना ना पार्टी कर, वाह। तो फ्रेंड्स आपको कौन सी ड्राइंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ड्राइंग्स है हमारे पास, रुको फ्रेंड्स। बोलते हैं ना, फेल्योर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। तो ये हैचिंग मेथड में पहली बार ट्राई किया था, रात में ट्राई की थी मैंने, तो मतलब मैं फेल हो गया, शायद से फेल हो गया। मतलब आप मुझे पता नहीं आपको पसंद आई या नहीं, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी पर मुझे लगा मुझे पसंद नहीं आई ये ड्राइंग, इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं डाली। टाइगर श्रॉफ की ड्राइंग बनाई थी। ये ड्राइंग आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये राधा कृष्ण सीरियल में से, सीरियल की जो एक्ट्रेस है मल्लिका, उनकी ड्राइंग बनाई है मैंने। तो फ्रेंड्स आपको कौन सी ड्राइंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। सो फ्रेंड्स आपको ये सारी ड्राइंग्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
मतलब, और मेरे आर्ट जर्नी के बारे में आपको क्या लगता है आप जरूर बताना। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ यार, बहुत बुरा लगता है अगर आप चैनल को आंसर मतलब बिना सब्सक्राइब किए जाते हो। मेरे चैनल पर अब तक 25,000 to 26,000 व्यूज आए और उनमें से सिर्फ 572 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने के लिए एक एक मेंबर की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो मेरा 1K सब्सक्राइबर का सपना शायद से जल्दी पूरा हो जाएगा, पर इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर आपको ऐसी और ड्राइंग्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, बाय।